अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है पावर इन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स के बारे में। तो हम देखेंगे कि पावर का जो हमारा बुनियादी कंसेप्ट है वो क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, यानी हम देखेंगे किसी चीज में एनर्जी में जो चेंज आता है टाइम के लिहाज से, तो उस चीज को हम पावर बोलते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं कि एसी सर्किट्स में जो हमने तीन बुनियादी कंपोनेंट्स पढ़े, रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, तो उनका पावर के साथ क्या रिलेशन बनता है। तो जनाब, अब आपके पास अगर हम मेन हेडिंग हमारी क्या होगी, पावर इन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स में, तो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं उसमें जो एनर्जी है वो देने का काम बैटरी का है। तो वो जो एनर्जी बैटरी सप्लाई करेगी तो वो एक तरह से हमारे पास इनपुट पावर के तौर पे आ जाएगी। अब जो कैपेसिटर है और इंडक्टर है वो उस एनर्जी को स्टोर करते हैं, जबकि रेजिस्टर उस एनर्जी को डेसिपेट करता है। तो ये बुनियादी कंसेप्ट हमारे पास क्लियर होना चाहिए कि सोर्स से आने वाली एनर्जी कैपेसिटर उसको भी स्टोर करेगा, इंडक्टर भी स्टोर करेगा, मगर रेजिस्टर उसको जाया करेगा। ठीक होगी बात। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का सोचूं तो वो एनर्जी जिस रेट पे सोर्स दे रहा है, यानी आपके पास पावर जो सोर्स दे प्रोवाइड कर रहा है वो बराबर होनी चाहिए किस चीज के, उस रेट के जिस रेट पे कैपेसिटर और इंडक्टर एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, प्लस जो रेजिस्टर उस एनर्जी को जाया कर रहा है। तो सादा सादा लफ्जों में बोलूं तो बैटरी से आने वाली जो पावर है या रेट ऑफ एनर्जी जो वो बैटरी सप्लाई कर रही है, दैट शुड बी इक्वल के कैपेसिटर और इंडक्टर की स्टोर करने की एनर्जी का जो रेट है और रेजिस्टर के जो एनर्जी जाया करने का रेट है वो बराबर होने चाहिए। तो अब आपके पास यहाँ पे समझ आ रही है कि बैटरी जिस रेट पे एनर्जी सप्लाई करेगी वो लाजमी लाजमी बराबर होगा किस चीज के, उस रेट ऑफ एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर और इंडक्टर प्लस रेट एट विच इट डेसिपेटेड इन रेजिस्टिव एलिमेंट्स। तो जनाब, अब अगर हम कहें कि क्या कैपेसिटर और इंडक्टर पावर डेसिपेशन करते हैं, तो जवाब है नहीं। आपके पास प्योर इंडक्टर सर्किट में, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में कोई पावर डेसिपेशन नहीं होती। अब क्यों नहीं होती, अगर आप उसको इसके एसी के बिहेवियर के लिहाज से देखो, तो जब एक कंप्लीट साइकिल आप स्टडी करते हो तो इसको चार क्वार्टर देखोगे तो दो क्वार्टर ऐसे आएंगे जिसमें पावर पॉजिटिव होगी, उसका मतलब होगा कि सोर्स आपको सप्लाई कर रहा है इंडक्टर और कैपेसिटर को, और दो क्वार्टर ऐसे आएंगे जिसमें पावर का प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाएगा, तो इसका मतलब वो एनर्जी वापस सर्किट में जा रही है। तो ओवरऑल जब मैं नेट देखूंगा तो ना एनर्जी हासिल हुई ना एनर्जी जाया हुई, तो आपके पास कोई पावर डेसिपेशन नहीं होगी कैपेसिटर और इंडक्टर के अंदर। अब असल मुद्दा तो है रेजिस्टर का। तो जनाबे वाला, अगर हम देखें कि पावर डेसिपेशन इन रेजिस्टर, तो हम जानते हैं कि आपके पास जब एसी सर्किट है उसमें सिर्फ और सिर्फ सिर्फ रेजिस्टर लगा हुआ है और कोई चीज नहीं है। ठीक होगी बात। तो आपके पास जो करंट का टूल आएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव आ जाएगा। तो जनाब, आप पावर का टूल जानते हैं कि एनर्जी डेसिपेशन जो होती है जूल हीटिंग इफेक्ट के तौर पे, तो वो आप लिखते हो पी इज इक्वल टू आई स्केयर आर। अब आई मालूम है, आप उसका स्केयर ले लो, आर आ जाएगा आई नॉट स्केयर साइन स्केयर ओमेगा टी माइनस फाइव इंटू आर आ जाएगा। अब यहां पे मुझे क्या है, जब मैं करंट को देखूंगा तो करंट एक साइनोसाइडल फंक्शन है, तो आप इसकी एवरेज वैल्यू लोगे वो तो जीरो आ जाएगी। अब यहाँ पे तो प्रॉब्लम आ गया, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे उसकी जो एवरेज रेट जो पावर सप्लाई करने का रेजिस्टर में उससे एवरेज लेते हैं, मगर वो एवरेज कैसे लेंगे, स्क्वायर वैल्यू का एवरेज लेंगे। बात समझ रहे हो, जैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो ये वन है, नीचे नेगेटिव वन है, अगर मैं इस नेगेटिव वन का भी स्क्वायर ले लूं तो क्या ये पॉजिटिव वन नहीं हो जाएगा। जैसे आप इस फिग में देख सकते हैं कि भाई आपके पास स्क्वायर लेने से नेगेटिव फैक्टर भी क्या हो गया पॉजिटिव। अब आपने स्क्वायर लिया है तो फिर जनाब अब क्या है, आप इसकी एवरेज लो और जो जवाब आएगा उसका फिर आप रूट ले लो, तो आपके पास एक तरह से वो आपके बुनियादी तौर पे एक एवरेज वैल्यू आप हासिल कर लोगे। ठीक है, तो आप लिख रहे हो P एवरेज बराबर आ जाएगा किसके, आई नॉट स्केयर आर डिवाइडेड बाई टू।
ठीक है, आपने यानी स्क्वेयर लेके उसको टू कर लिया। अब अगर आप इसका शिफ्ट करते हो आई नॉट होल स्क्वेयर और नीचे टू के ऊपर स्क्वेयर रूट आ जाएगा, तो आप इस फैक्टर को जो ब्रैकेट में लिखा गया है डेट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू, डेट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू, तो डेट शुड बी इक्वल आई नॉट ओवर स्क्वेयर रूट टू। तो अगर मैं आपको सादा सादा लफ्जों में बताऊं कि आपने क्या किया है, पहले आप वैल्यू का नाम क्या बोला, रूट मीन स्क्वेयर, तो अब जो स्टेप है उनको उल्टा समझो, आखिर में स्क्वेयर आ रहा है, तो सबसे पहले मैंने अपनी वैल्यू का स्क्वेयर लिया है, ठीक हो गया, तो आपके पास नेगेटिव फैक्टर भी क्या हो गया पॉजिटिव। तो अगली चीज मैंने क्या लिया है मीन, तो अब आपने दो वैल्यू जीरो और वन चल रहा है, इसका मीन लोगे तो 1/2 आ जाएगा, तो पहले स्क्वेयर लिया फिर मीन लिया आखिर में रूट लेना है, तो जब रूट लोगे तो वो स्क्वेयर वाली वैल्यू तो खत्म हो जाएगी, नीचे टू आ रहा था उसके ऊपर स्क्वेयर रूट टू आ जाएगा, तो ये चीज मिलके कहला बन के बनती है आपके पास रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू, ठीक होगी बात। अब होता क्या है कि हमारे पास जो एम मीटर होते हैं वोल्ट मीटर होते हैं इंस्ट्रूमेंट, वो आरएमएस वैल्यू बता रहे होते हैं, तो जहन में रखिएगा कि जिस मीटर से भी आप रीडिंग ले रहे हैं तो वो रीडर वो मीटर आपको रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू दे रहा होगा, तो अब रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू का पीक वैल्यू के साथ ताल्लुक अब आपको पता है आई नॉट ओवर स्क्वेयर रूट टू आ जाएगा। तो जनाबे वाला आई नॉट स्क्वेयर आर डिवाइडेड बाई टू था, आपने दोनों तरफ स्क्वेयर से अरेंज किया तो ये चीज आर एम एस के तौर पर आ गई, तो आपने लिखा आई आर एम एस का स्क्वेयर इंटू आर, ठीक होगी बात। तो अब पावर जब मुझे इन फ्यूचर कैलकुलेट करने को आएगी या प्रैक्टिकल में आप करोगे तो समझो वो आप रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू ही ले रहे हो, क्योंकि वो रीडिंग आपको मीटर ने बतानी है और मीटर ने आपको रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू बतानी है। तो जनाब इसी कंसेप्ट पे हम वो पोटेंशियल डिफरेंस देख सकते हैं आरएमएस वैल्यू में, डैट शुड बी वी नॉट ओवर स्क्वेयर रूट टू, ये आप या ईएमएफ के कंसेप्ट से देख सकते हैं कि रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू ऑफ ईएमएफ बराबर है ई नॉट ओवर स्क्वेयर रूट टू। तो जनाब अब पावर की जो फार्मूला बन चुका है वो है आई रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू का स्क्वेयर इनटू आर, क्या हम जानते हैं कि आई किसके बराबर होता है, ईएमएफ डिवाइडेड बाय इंपेडेंस, तो इंपेडेंस अगर हमारे सर्किट में रेजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर सब लगे हुए हैं तो ईआरएमएस डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वेयर लिखा जा सकता है, तो इसका मतलब आई आरएमएस को मैं रिप्लेस कर सकता हूं किससे, ई आर एम एस डिवाइडेड बाई जी से, तो यहाँ पे देखो आई स्केयर था ना रूट मीन का, तो मैंने दो दफा लिखा और आपके पास आई आर एम एस की वैल्यू डाल दी कि वो ई आर एम एस डिवाइडेड बाई जी था, यानी आई ने दो दफा आना था तो एक आई की वैल्यू मैंने ये डाल दी है यहाँ पे। तो जनाबे वाला अब आप अगर इसे थोड़ा सा अरेंज करो आर बटा जेड, अगर आप इस फिक को देखो जब सर्किट में तीनों चीजें प्लेस होती हैं तो आप कहोगे कॉस फाई निकालना है मुझे, तो आप कहेंगे वी आर ओवर ईएमएफ आ जाएगा, तो आप वी आर की वैल्यू आई आर लगाओगे, ईएमएफ आई जेड आई आई से कट जाएगा तो आर वाई जी आ जाएगा, तो आर ओवर जी को कॉस फाई मेंशन किया, तो यहां पे फंक्शन में मेरे पास आर ओवर जी आ रहा था, तो आप लिख सकते हो कि एवरेज पावर का टूल है ई आर एम एस आई आर एम एस कॉज ऑफ फाइ, यहां पे कॉज फाइ को नाम दिया गया है पावर फैक्टर। तो अब आपको पता है कि जनाब आपके पास अगर मैं कहूं फाइ क्या था, फाइ आपको कि जनाब डिफाइन करेगा जैसे इंडक्टर में करंट और वोल्टेज में 90 डिग्री का फाइ आ रहा था, फेज आ रहा था, तो इसका मतलब कॉस 90 जीरो हो जाएगा, तो एवरेज पावर इंडक्टर में जीरो हो जाएगी। सेम केस फॉर कैपेसिटर, मगर रेजिस्टर में फाइ कितना था, जीरो था, क्यों, क्योंकि वो इन फेज थे, तो कॉस जीरो लगाओगे वन आ जाएगा, तो एवरेज पावर कितनी आ जाएगी ई आर एम एस आई आर एम एस। तो आपने पावर फैक्टर को बहुत कंसीडर करना है जिससे हमें एवरेज पावर के बारे में काफी हेल्प मिलेगी। तो जनाब आपने क्या देखा, हमने पावर का कंसेप्ट देखा एसी सर्किट्स में, हमें पता चला कैपेसिटर और रेजिस्टर में कोई पावर डेसिपेशन नहीं होती, मैंने उसको फिजिकली भी देखा, मैंने उसे आखिर में न्यूमेरिकली भी समझा पावर फैक्टर की मदद से, फिर इसमें मैंने रूट मीन स्क्वेयर का कंसेप्ट लेके आया, मैंने बताया कि जब आप पावर का टूल लगाते हैं तो आई आपके पास एवरेज वैल्यू तो जीरो हो जाती है, तो हमने क्या किया कि आई नॉट का जो आई वैल्यू थी उसका स्क्वेयर लेके मीन लेके फिर उसका रूट ले लिया, तो वो जो वैल्यू मुझे हासिल हुई अब वो जीरो नहीं होगी क्योंकि उसमें नेगेटिव फैक्टर भी पॉजिटिव हो चुका होगा। तो जनाबे वाला अब वो वैल्यू हम पावर के
टूल में इस्तेमाल करते हैं, उस वैल्यू को हमने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का नाम दिया। तो आपके पास जनाब उसके आपने कंसेप्ट में एवरेज पावर का कंसेप्ट बनाया, फिर हमने देखा कि आई स्क्वायर था तो मैंने आई को दो हिस्सों में लिखा, आई इंटू आई, और एक आई की वैल्यू मैंने लगा दी ई आर एम एस डिवाइडेड बाई जी। तो वो आपके पास कंसेप्ट इस तरीके से आ गया, आर ओवर जी को मैंने एक फिक की मदद से समझा तो आपके पास वो कॉस फाई के इक्विवेलेंट आ रहा है। कॉस फाई को मैंने नाम दिया पावर फैक्टर। तो जनाब ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे पास, न्यूमेरिकली बहुत अहम है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो, कोई आप क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।